दोस्तों सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा इस वीडियो के लिए। ये वीडियो जब मैंने बताया था होराइजन एडिशन का, जब ये इसका टीजर आया था ट्विटर पे, मनु कुमार जैन ने इसको ट्वीट किया था, उसके बाद इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी मेरी भी और आप सभी की भी। लेकिन जो एक्साइटमेंट थी ना, उस पर पूरा पानी फिर गया। पानी क्यों फिरा है? क्योंकि होराइजन एडिशन लॉन्च हो गई है आज इंडिया में। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे पानी फिरा उम्मीदों पे, क्या कुछ खास है, क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें होराइजन एडिशन के बारे में, जब इसका टीजर आया था ट्विटर पे मनु कुमार जी ने जब डाला था, उस समय इतना एक्साइटमेंट था कि मतलब भाई लोग बात कर रहे थे क्यूलेट की, ओलेट की, यहाँ तक माइक्रो एलईडी तक की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज जब लॉन्च हुई तो उसके बाद जितने भी लोग हैं सब लोग डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही इतनी ज़्यादा थी जिस हिसाब से उन्होंने टीजर डाला था। तो यहाँ पे जो लॉन्च हुई है टीवी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही वेरिएंट देखने मिलेंगे इस MI 4A होराइजन एडिशन में, जहाँ पर एक है 32 इंच का और दूसरा है 43 इंच का। उसके आगे और कोई भी वेरिएंट नहीं है। 55 इंच का वेट कर रहे थे, 65 इंच का वेट कर रहे थे, ये सब कुछ भी आपको इस एडिशन में देखने नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे बात करें उसके रेजोल्यूशन के बारे में, 32 इंच की जो टीवी है आपको मिल रही है HD रेजोल्यूशन के साथ, और जो दूसरा रेजोल्यूशन है 43 इंच का, वो आपको फुल HD रेजोल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो यही है होराइजन एडिशन। और इसकी स्पेसिफिकेशन को मतलब मैं बताने से पहले मतलब मुझे खुद को भी अजीब लग रहा है ये स्पेसिफिकेशन बताते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ये पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन सेम है जो MI के 4A Pro का था, जो 2019 में आई थी, उसका स्पेसिफिकेशन पूरा का पूरा और इसका स्पेसिफिकेशन दोनों की सेम ही है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया था, कंपैरिजन वीडियो भी थे, आप आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो जैसा मैंने कहा कि भाई इस टीवी में कुछ खास स्पेसिफिकेशन नहीं, पूरा का पूरा सेम है, तो एक बार झलक डाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे इस टीवी में आपको VA पैनल देखने मिल जाएगा, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स के साथ आने वाली टीवी है, 8-bit पैनल लगाया गया है। इसी के साथ ही साथ आपको विविड पिक्चर इंजन दिया जा रहा है, जो MI का कहना है कि इस साल हम लोग कुछ नया लेके आए हैं जिससे पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होगी, ऐसा MI का कहना है। कितनी अच्छी है ये हम लोग जब एक्चुअली रिव्यू करेंगे हैंड्स ऑन, उस समय ही बता सकता हूं कि कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होने वाली है। इसी के साथ ही बात करें ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा, DTS HD का सपोर्ट है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट इस टीवी में आपको देखने नहीं मिल रहा, अगर होता तो बहुत अच्छी बात होती। बात करें पोर्ट्स के बारे में, तो इस टीवी में आपको 2 USB पोर्ट और 3 HDMI पोर्ट देखने मिल जाएंगे, उसमें से एक पोर्ट आर्क पोर्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस टीवी में आपको साउंड आउटपुट जो 20 वॉट का मिल रहा है, यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि इसकी ऑडियो उतनी अच्छी नहीं होने वाली, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है MI 4A Pro को लेके। जो पिछले साल की टीवी थी उसका ऑडियो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे आपको साउंड बार या होम थिएटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप MRC और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हो ऑडियो के मामले में। बात करें इंटरनल जो रैम के बारे में, तो 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। सभी ब्रांड इतना ही देते हैं, तो भाई मैं यहाँ पे कुछ, ये नेगेटिव पॉइंट तो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, लेकिन सभी ब्रांड इतना दे रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है, पैच वॉल दिया गया है जिसमें आप ढेर सारे कंटेंट्स आपको मिलते हैं हमेशा की तरह, कुछ यहाँ पे नया नहीं। तो बात करें टीवी के रिमोट के बारे में, तो रिमोट भी पूरा का पूरा सेम ही है, तो यहाँ पे कुछ भी खास इस साल के होराइजन एडिशन मतलब जो नाम से मतलब लोग पागल हो रहे थे या फिर वेट कर रहे थे इस टीवी का, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। होराइजन एडिशन नाम सुनकर ऐसा लगता था कि जो MI का जो नोटबुक आया था होराइजन वाला, वैसा वाला कुछ आपको खास देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सेम टीवी है, खाली कुछ चेंजेस है, जो चेंजेस क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ बेजललेस डिज़ाइन देखने मिले, जो डिज़ाइन है इस टीवी की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही तगड़ी डिज़ाइन है, बेजललेस डिज़ाइन के साथ आने वाली टीवी है। तो ये एक नया चीज़ जो MI इस बार लेके आया है इस साल 2020 की टीवी में। इसी के साथ ही साथ आपको क्विक वेक का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक वेक का ऑप्शन MI की टीवी में बहुत ही सालों से इंतज़ार मतलब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि MI की टीवी बूट होने में या फिर लोड होने में काफ़ी टाइम लगती थी, तो यहाँ पे लेस देन 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ऐसा MI का कहना है। कितना एक्चुअल होने वाला है वो हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे तो ही आपको मैं बता सकता हूँ। और दोस्तों बात करें इस टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो होराइजन एडिशन की 32 इंच की टीवी आपको मिल जाएगी 13,499 की, और जो दूसरा वेरियंट है 43 इंच वाला, वो आपको मिल जाएगा 22,999, मतलब 23,000 रुपये के आसपास आपको टीवी मिल जाएगी। तो कुछ प्राइसिंग भी सेम मतलब ठीक ठाक ही है, सब ब्रांड आपको उतना दे ही देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी एक्साइटमेंट जैसा नाम तो है ही नहीं।
यहाँ पे शायद मुझे लगता है MI को कुछ खास करना चाहिए था, कुछ नया लेके आता तो मज़ा आ जाता क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट थी लोगों में। अभी यहाँ पे इस कैटेगरी में सब ब्रांड वही दे रहे हैं, एक ही मुझे एक ब्रांड नज़र आता है इस समय, एक जो राइडेक्स ब्रांड है जिसकी टीवी 5 सितंबर को ही लॉन्च हुई है, उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है हैंड्स ऑन, आप चेकआउट कर लीजिए, शायद आपको वो टीवी में शायद इंटरेस्ट आ जाए क्योंकि कुछ खास यूनिक और एकदम कमाल कमाल फीचर्स के साथ आ रही है। थोड़ी सी नेगेटिविटी है उस ब्रांड के बारे में और ये ब्रांड को भी पता है और ब्रांड उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया सर्विस, बहुत बढ़िया टीवी देने का पूरा ट्राई कर रहा है, तो शायद एक अच्छा बोलते हैं ना पैकेज लेके आया है वो टीवी, तो वो टीवी आप कंसिडर कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ मुझे एक हाइसेंस की टीवी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हाइसेंस की टीवी भी कंसीडर कर सकते हो ये दोनों रेंज में, मतलब 32 इंच और 43 में, वो टीवी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ MI वाले ने होराइजन एडिशन में क्या किया है, तो बस ऐसा कुछ किया गया है होराइजन एडिशन में। और बाकी आपका क्या मानना है, इस क्या विचार है इस टीवी को लेके, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे। कुछ सवाल सुझाव हो तो वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपके रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो इसी के साथ बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ मिलते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस टीवी की अनबॉक्सिंग मैं करूँ तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बस अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।